हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आज मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट का नाम जान लेते हैं और कितने डेज हुए और कहां से आते हैं और आज ये क्या सीखने वाले हैं। तो ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव यादव है। ओके, कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? मेरा आज 11 डेज। 11 डेज है। इस बीच में आपने कहाँ कहाँ पे कार चलाई है, किस किस एरिया में? हमने प्लेन रोड पे चला लिया और ट्रैफिक में चला लिया और ओपन स्पेस में चला। कौन कौन से गियर में चलाया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड। तो आज क्या सीखने वाले हैं? थर्ड भी हमने चलाया, थर्ड में भी चलाया। आज क्या सीखने वाले हैं हम लोग? स्लोपिंग और रिवर्स पार्किंग। ड्राइविंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे अहम रोल आता है जजमेंट। सबसे पहले आपको करना है गाड़ी बढ़ाने से पहले आसपास देख के, और उसके बाद हैबिट रखनी है कि बार बार पैर एक्सीलरेटर की तरफ मूव करता है। तो हैबिट ये बनानी है कि हमारा ब्रेक पे ही रहे और हमें एक्सीलरेटर की जब नीड होगी तो अपने आप पैर वहाँ चला जाएगा, और लेफ्ट पैर हमारा क्लच पे ही बना रहना चाहिए। और उसके बाद बहुत शुरुआत में, इनिशियल वे में ये देखना चाहिए कि बहुत स्पीड से गाड़ी ले जाने की कोशिश ना करें, स्मूथ वे में सीखें, जैसा कि राहुल सर ने बताया भी हर चीज़ें बारीकियों के साथ। चलिए, ये तो सारी चीज़ें हो गई। बाकी ड्राइविंग में रिवर्स गियर का कितना बड़ा रोल होता है? रिवर्स गियर में ऐसा है कि हम लोग की आदत बनी होती है फर्स्ट गियर लगाने पे क्लच 20% 30% रिलीज करने की, तो उसकी स्पीड लिमिट होती है 10-20 फर्स्ट गियर में। तो वही हैबिट जब आप रिवर्स करेंगे तो रिवर्स में चूंकि बहुत फास्ट मूव करता है, उसकी कोई गियर लिमिट नहीं होती है। गुड। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग अचानक गाड़ी पीछे जाने लगती है तो पहले घबरा जाते हैं कि ये हल्का पुश करने पे ही जो क्लच हम 10% पुश करते थे वो आसानी से आगे बढ़ता था, अब वही क्लच एकदम 30 के स्पीड में बैक भाग रही है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और कार ड्राइविंग में स्लोपिंग का क्या रोल रहता है? जैसे कि कई बार अक्सर लोगों का सुनने को आता है कि गाड़ी ढलान पे रोकने के बाद बढ़ाते टाइम या हिली एरिया में चलाने के लिए, तो स्लोपिंग का कितना बड़ा रोल होता है ड्राइविंग में? स्लोपिंग में बहुत ही अटेंटिव होने की ज़रूरत है। अगर हैंड ब्रेक नहीं यूज कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्लच को रिलीज करें, ब्रेक से पैर तब हटे जब इंजन से वाइब्रेशन आने लगे, तब उसे एक्सीलरेटर पे तुरंत लेके जाएं। तो उससे क्या होगा कि गाड़ी हमारी मूव करने लगेगी। okay. और अगर हम ब्रेक हटा के, जो कि हैबिट बनी होती है कि बढ़ानी है गाड़ी तो ब्रेक हटाना है, अगर ब्रेक हटा के स्लोप पे किए तो हमारी गाड़ी बैक आने लगेगी। गुड। तो वैसे प्रोफेशनल से आप क्या करते हैं? मैं मीडिया में इंजीनियर हूँ। मीडिया में इंजीनियर है। ओके, गुड, वेरी गुड। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि गाड़ी को ढलान पे कैसे कंट्रोल करें। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग स्लोपिंग पे फ्रंट का तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन आज मैं उसका उल्टा करवाऊंगा आपको, स्लोप में रिवर्स कराऊंगा। गाड़ी रोकने के बाद बैक में कैसे लेके आना, फ्रंट में तो लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं लेकिन रिवर्स में करना, पहले रिवर्स में करना फिर फ्रंट में करना। तो अभी आप रेडी हैं? जी। वापस क्लच दबा के, क्योंकि गाड़ी, दोस्तों आप देख सकते हैं, ब्रेक मार लीजिए एक मिनट, आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी ढलान पे है। मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि कई बार होता है ना कि ऐसा लगता है कि नहीं, ये देखो कितनी ज़बरदस्त खाई है, करीब करीब 20 फीट के आसपास खाई, और राइट हैंड पे देखो काफ़ी बड़ा नाला है और यहाँ पे रोड भी काफ़ी टूटा हुआ, और ये देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा स्लोपिंग है, यहाँ से करीब 20-30 के आसपास ये यहाँ पे स्लोपिंग है। तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है, अगर ज़रा सा भी राइट गाड़ी चली गई तो गड्ढे में चली जाएगी, लेफ्ट में आएगी तो ये आप देख रहे हैं ये रोड कितना टूटा हुआ है, ये चैम्बर टकरा जाएगा यहाँ पे, तो आपकी अगर गाड़ी का चैम्बर टकरा गया तो इंजन डैमेज हो सकता है, इंजन ऑयल लीकेज हो सकता है। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, तो इसके लिए भी ध्यान रखना है। तो अभी जान लेते हैं भाई कैसे कार को कंट्रोल करेंगे। तो मैं तो फाइनली बाहर आ चुका हूँ, इन्हीं को करना है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि भाई को बहुत ही प्यार से संभालना है और चीज़ों को समझना है। तो अभी आप रेडी हैं? जी। अभी ओके, चलिए इंजन ऑन करिए, कि गाड़ी से मैं नीचे इसलिए उतर गया हूँ ताकि मतलब पूरा कॉन्फिडेंस आपका रहे, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपका आराम से हो जाएगा, आप आराम से कर ले जाओगे। तो अभी किस गियर में हैं आप? मैं फर्स्ट गियर में हूं। फर्स्ट गियर में है, तो अभी थोड़ा सा गाड़ी नीचे लेके जाइए। अभी यहाँ पे आपको पूरा ब्रेक नहीं छोड़ना है, क्लच पूरा दबा लो, गाड़ी ऑलरेडी ढलान पे तो धीरे धीरे नीचे जाएगी। और जाने दो थोड़ा, और जाने दो, और जाने दो, और थोड़ा, गुड, और जाने दो, स्टॉप। अब सपोज करो ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए, नीचे कितनी ज़्यादा ढलान है, अब यहाँ से गाड़ी आपको बैक ले जानी है, पीछे तो इतना ऊंचा स्लोप है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप ब्रेक से पैर हटाते हो तो गाड़ी जाती है आपकी आगे, आगे जाके गड्ढे में चली जाएगी। सामने देखो कितना बड़ा गड्ढा है,
तो अब ऐसे में क्या करना, सबसे पहले तो आपको ब्रेक पूरा दबा के रखना है। अभी आप बैक गियर डालो पहले न्यूट्रल करके, ठीक है, बैक गियर हो गया, अभी आपको, हाँ लग गया बैक गियर, अभी आपको क्या करना है, ब्रेक नहीं छोड़ना है, पहले धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, 0 1 2 3 जब इंजन का साउंड चेंज हो जाए, क्योंकि आपने बैक गियर डाला है और गाड़ी में ब्रेक दबा रखा है, तो जैसे ही आप क्लच को रिलीज़ करोगे तो गाड़ी बैक की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट करेगी, जैसे ही वाइब्रेट करने लगे वहाँ पे फिर क्या करना है, क्लच से गाड़ी को होल्ड कर लेना है। जब 50% क्लच रिलीज़ कर दोगे तो गाड़ी आपकी आगे नहीं जाएगी, पीछे भी नहीं जाएगी, क्योंकि चढ़ाई है, तो पीछे जाने के लिए आपको एक्सेलेटर लेना पड़ेगा। तो अभी आप धीरे धीरे क्लच छोड़िए, पहले बहुत धीरे धीरे और थोड़ा, बस बस, अब इंजन साउंड करने लगा, अब रेस ले लो थोड़ा ज़्यादा, वेरी गुड, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, वेरी गुड, स्टॉप, वेरी गुड, ज़बरदस्त। देखा, यही चीज़ सेम करना। अब वहाँ पे अगर आपने एक्सीलेटर डाउन कर दिया होता, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे थोड़ी सी गाड़ी बढ़ती है वहाँ पे वापस वो क्लच दबा लेते हैं, तो इंजन की ताकत वापस जीरो हो जाती है। तो ये एक बार जब मूवमेंट हो गया तो फिर, और नज़र भी आपकी दोनों साइड रहनी चाहिए, राइट साइड साइड मिरर में, लेफ्ट और लुकिंग ग्लास में, ऐसा नहीं कि आपने एक्सीलेटर ही दे दिया, पीछे देखे नहीं, जाके पेड़ में टकरा गई। ये 3-4 बार आपको करना है आज, अपने आप करना। अब मैंने एक बार बता दिया, अब इस चीज़ को आप करिए, और यहाँ एक्सीलेटर का कोई रोल ही नहीं है। अभी यहाँ पे सिर्फ आप पूरा क्लच दबाओगे, थोड़ा सा ब्रेक छोड़ोगे, गाड़ी जाने लगेगी, और जाने दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब वही सेम चीज़, जैसे कई बार हिली एरिए में, नैनीताल वगैरह, मशहूरी वगैरह जाओ तो ऐसी जगह बड़ी दिक्कत आती है गाड़ी पार्किंग करने में, वही सेम चीज़ करनी है आपको। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये चीज़ कोई भी ड्राइविंग स्कूल वाला आपको नहीं बताएगा, क्योंकि बताने के लिए पहले आना ज़रूरी होता है। अभी देखो इंजन ऑफ हो गया, इंजन ऑफ हो गया तो एक चीज़ और, इंजन जैसे ऑफ हो गया तो जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे गाड़ी ऑफ हो गई, अब अगर गलती से एक बार आपने ब्रेक छोड़ दिया तो वापस फिर गाड़ी ये रुकेगी नहीं, क्योंकि ब्रेक तभी वर्क करेगा जब आपका इंजन ऑन होगा, पावर ब्रेक होती है। क्लच को धीरे धीरे, क्लच से जब इंजन वाइब्रेट करने लगे तब फिर उसके बाद आपको ब्रेक से पैर हटाना है, बहुत ही धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करना है। बस आप ब्रेक वाला पैर फट ले जाके एक्सीलेटर थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जाने दो, फिर स्टॉप। अब दो चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी आपने एक ही बार में गाड़ी पूरी बढ़ा दी, अभी सपोज करो जैसे वहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, बढ़ाया फिर रोका, बढ़ाया फिर रोका, ये चीज़ करनी है। जैसे अभी तो डायरेक्टली आप एक ही बार में 20 मीटर लेके चले आए, अभी आपको 1 मीटर बढ़ाना फिर रोक लेना है, 1 मीटर बढ़ाना फिर रोक लेना है, वेरी गुड, स्टॉप, गुड। अब वही चीज़ है, जैसे कि चढ़ाई नहीं होती, जाम लग जाता कई बार फ्लाई ओवर पे, तो धीरे धीरे स्टार्ट इंजन, अब बैक गियर डालना, वही सेम चीज़, इंजन को वाइब्रेशन पे पहले लेके आओ क्लच से, फिर थोड़ा गाड़ी बढ़ाना, फिर रोकना, बढ़ाना, फिर रोकना, चढ़ाई जब ज़्यादा होती है तो एक्सेलेटर का ज़्यादा रोल रहता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फिर वही सेम चीज़, गुड गुड, वेरी गुड, जाने दो, गुड, और लेके जाओ, बंद हो गई, वापस स्टार्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लोपिंग है, जाने दो, धीरे धीरे जाने दो, हाँ जाने दो, गुड, वेरी गुड, जाने दो, फिर स्टॉप करो, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फिर आगे लेके जाओ, थोड़ा सा मैं डोर खोलूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पैंडल दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरीके से पैंडल को इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टॉप, गुड। अब मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि आप किस तरीके से पैंडल को इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना क्लच ले रहे हैं और कितना ब्रेक ले रहे हैं, और किस तरीके से गाड़ी को आप मूव कर रहे हैं, वही सेम चीज, बंद हो गई, वापस स्टार्ट कर लो, स्टीयरिंग का पकड़ने का तरीका, पैरों को रखने का जो तरीका है, गुड। अब ये हो गया, लेकिन एक बार परफेक्ट होना चाहिए, अभी परफेक्ट नहीं हो पा रहा, जैसे होना चाहिए ना उस तरीके से नहीं हो पा रहा है,
एक बार फिर लेके जो बहुत ही केयरफुल एकदम, ज़रा सा ना इंजन का साउंड ज़्यादा हो ना गाड़ी वाइब्रेट करे, बहुत प्यार से जैसे एक परफेक्ट बंदा करता है। गुड, इंजन का जो साउंड है ना उस साउंड के हिसाब से आपको इसको रिलीज़ करना है कि ओवर घड़घड़ा है ना जो गाड़ी, ये घड़घड़ा रही ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। फिर स्टॉप करो, गुड। इस बार देखो एकदम इंजन ज़्यादा घड़घड़ाया नहीं, वाइब्रेट ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि हालांकि गाड़ी आपकी हल्की हल्की लगभग एक दो इंच बाहर नीचे निकल गई थी। वेरी गुड, स्टॉप, फिर गुड, बहुत बढ़िया। अब ये आप डोर बंद कर लीजिए, अभी तो ये बैक में आपने किया है, ठीक है, अभी आपको फ्रंट में करना है, तो गाड़ी थोड़ा सा आगे लेके आ जाओ आप, साइड से निकालना। तो गाइस आपने देखा कितना ज़बरदस्त इन्होंने बैक किया, और ये चीज़ कोई भी ड्राइविंग स्कूल वाला नहीं बताता है, क्योंकि खुद को पता नहीं होता तो वो बताएगा क्या। तो ये चीज़ें कई बार हिली एरिया में हम लोग चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ही मतलब समस्या खड़ी हो जाती है। कई बार आप नैनीताल वगैरह में देखिए, जो बिरला स्कूल है काफ़ी ऊँची चोटी पर है, वहाँ पर बस यहीं पर रोक लो, स्टॉप। अब आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची चढ़ाई है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, स्लोप है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें कार को कैसे कंट्रोल करना ये चीज़ भी हमें आना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें समझना है कि कैसे हमें कार को कंट्रोल करना है। तो अभी आपको बैक का तो आपने कर लिया, फ्रंट तो वेरी इजी है, अब फ्रंट का भी करना है सेम वैसे ही कि किस तरीके से आप क्लच और ब्रेक को कंट्रोल करेंगे। गुड, वेरी गुड, स्टॉप। अभी इसको फिर बैक में लेके जाना है आपको, अभी आपको बैक गियर नहीं डालना है, बैक गियर नहीं डालना है, गियर आप फर्स्ट ही करो। अब सिर्फ क्लच पूरा दबा लो, ब्रेक छोड़ो, गाड़ी अपने आप ढलान पे चली जाएगी, पीछे नहीं जा रही है, हाँ हल्का ऊपर ज़्यादा आ गई, अभी चली जाएगी। बैक गियर डाल लो, चलो गई गई, बस जाने दो, ब्रेक नहीं दबाना है, धीरे धीरे जाने दो अपने आप, क्योंकि जब आप पूरा क्लच दबा लेते हो तो गाड़ी किसी भी गियर में होती वो जीरो हो जाती है। जाने दो, गुड, वेरी गुड, बस स्टॉप कर लो। वही सेम चीज़ करना है आपको, सेम चीज़ करना है कि कितना क्लच ले रहे हो कितना ब्रेक ले रहे हो। तो और गाड़ी एकदम से पूरी नहीं ले जानी, थोड़ा थोड़ा रोक रोक के, रोक रोक के, ठीक है, जैसे थोड़ा सा बढ़ाया फिर रोका, थोड़ा बढ़ाया फिर रोका, इस तरीके से, ताकि ये पता चल जाए कि आप क्लच और ब्रेक कैसे और कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टॉप, गुड, वेरी गुड, फिर बढ़ाना फिर रोकना, गाड़ी में झटका नहीं लगना चाहिए ज़रा सा भी, जाने दीजिए, गुड, वेरी गुड, फिर स्टॉप, गुड, अभी थोड़ा रोक के रखिएगा गाड़ी, चलिए बढ़ाइए वापस, बंद हो गई, वापस ही स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। अभी सीधा लेके जाओ, फिर बैक करके लेके आना है। तो गाइस आपने देखा, राजीव जी हैं जो कि मतलब डीडी न्यूज़ में इंजीनियर हैं, और ये एक्चुअली दिल्ली में हैं, दिल्ली रहते हैं, तो इन्होंने मेरे पास स्पेशली मेरे यूट्यूब से नंबर निकाल के और मुझे कॉल किया। करीब 15 डेज पहले इन्होंने स्लॉट बुक कराया था, और मैं इनको एक घंटे का डेली समय दे रहा हूँ, तो करीब एक घंटे का मतलब है 2 क्लासेस डेली, तो 7 डेज़ में लगभग इनका कंप्लीट हो जाएगा। बट बहुत अच्छा चला रहे हैं, ये जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ये कोई भी ड्राइविंग स्कूल वाला नहीं बताता है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता होता तो वो बताएगा क्या। यहाँ पर गाड़ी सिखाई नहीं जाती, गाड़ी संभालना बताया जाता है, चलाना नहीं, चला तो आप कहीं भी सकते हो, लेकिन संभालना जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपने सीख ली, और इस वीडियो को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है दोस्तों। मेरे चैनल पे आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी, ड्राइविंग से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड। तो गाइस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी मेरा फर्स्ट चैनल जो है वो लर्निंग टू ड्राइव है, और ये सेकेंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल। तो दोनों चैनल पे आपको हर तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।